को 164 में दिलाया था, वही बयान मैंने यहाँ पे भी दिया। तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई, 164 का बयान तो इतना समय नहीं लगा होगा संभवतः। अंदर बहुत तरीके का वातावरण होता है, जब सहयोग करना चाहते हैं लोग तो सहयोग में समय नहीं देखा जाता है। हम लोग आराम से बैठ के और भी बातें कर रहे थे, कुछ लंच ब्रेक भी हुआ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा खाना खिलाया, अपने पैसों से खाना खिलाया ईडी ने मंगवा के, तो खाना खाने में टाइम लग गया, फिर थोड़ा बातों में टाइम लग गया। अब अभियुक्त तो था नहीं, उनका सहयोगी बन के गया था, तो थोड़ा बात भी बात विचार हो रहा था, इसलिए हम लोग मैं भी देख रहा था कि ईडी का कार्यालय कैसा है, तो अंदर घूमने का भी मौका मिला मेरे। इस सहयोग आगे भी आपसे ईडी लेते रहेगी? मैंने ईडी को बोला है कि जब जब आपको मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुला सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए, आपके केस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ झारखंड, एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, मैं झारखंड की जनता का सम्मान को बचाते हुए आपको पूरा सहयोग करूंगा, जब जब बुलाइएगा तब तब आऊंगा। फिलहाल कोई दोबारा बुलाने का नहीं, कोई दोबारा बुलाने के लिए, अब शायद उनको बुलाएंगे जो सरकार को गिराने वाले। मैं भी देख रहा था कि ईडी का कार्यालय कैसा है, तो अंदर घूमने का भी मौका मिला मेरे। इस सहयोग आगे भी आपसे ईडी लेते रहेगी? मैंने ईडी को बोला है कि जब जब आपको मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुला सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए, आपके केस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ झारखंड, एज अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, मैं झारखंड की जनता का सम्मान को बचाते हुए आपको पूरा सहयोग करूंगा, जब जब बुलाइएगा तब तब आऊंगा। फिलहाल कोई दोबारा बुलाने का नहीं, कोई दोबारा बुलाने के लिए, अब शायद उनको बुलाएंगे जो सरकार को गिराने वाले।